हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीमॉम फैमिली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या प्रेगनेंसी के दौरान खीरा खाना यानी कि कुकम्बर खाना सेफ है कि नहीं, इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है, इसके नुकसान क्या हैं और क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है और कैसे इसको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा हेल्प है। इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, इसमें जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन के, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ओवरऑल आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए खीरे को अपनी डाइट में ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें वाटर बहुत ज्यादा होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप इसको अपनी डाइट में ऐड करते हैं। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्या क्या इसकी हेल्थ बेनिफिट है अगर आप इसको अपनी डाइट में ऐड करते हो। ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए, मतलब के फिटनेस डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, इसको डाइट में जरूर ऐड करिए। जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें जिंक है, इसमें फॉलिक एसिड है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये बहुत अच्छा सोर्स है, इसको जरूर अपनी डाइट में ऐड करिएगा। इसके साथ साथ आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। वेल, सभी की स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग होती है इस प्रेगनेंसी के दौरान में, लेकिन कुछ लोगों के पिगमेंटेशन होता है, उसके लिए बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है अगर आप इसको अपनी डाइट में ऐड करते हो। इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम रहेगी तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी आप कैच कर पाओगे। कोई भी बीमारी अगर चल रही है तो वो बहुत जल्दी कैच कर पाओगे, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट होना चाहिए, इसीलिए जो है आप इसको जरूर ऐड करिए। इसके साथ में ये जो है ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखता है, इसीलिए आप जो है इसको जरूर ऐड करिए। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम, इसमें वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आप इसको जरूर ऐड करिए। ये आपके डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को भी कम करता है, इसमें वाटर जैसे कि मैंने बताया बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ में ओरल हेल्थ यानी कि अगर डेंटल कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ वीक्स में, जिसमें मैंने सेपरेट वीडियो की है कि आपको डेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, गम से जो है खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको भी ये दूर करता है। ओवरऑल ये बहुत अच्छा सोर्स है, इसकी बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है, इसीलिए मैं ये आपको रिकमेंड करूंगी इसको जरूर अपनी डाइट में ऐड करिएगा। लेकिन जो है अपने डॉक्टर की कंसल्ट के बाद, अगर कोई भी एलर्जी आप अगर इसको लेने के बाद फील कर रहे हो तो प्लीज इसको अवॉइड करिए। आइए अब मूव करते हैं क्या इसके कुछ नुकसान भी है, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। वेल, हर चीज की अति ज्यादा होती है, एक्सेस क्वांटिटी हर चीज की नुकसानदायक होती है, इसीलिए इसको एक्सेस अगर क्वांटिटी में लेते हो, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, तो आपके पेट दर्द की प्रॉब्लम को ये बढ़ा सकता है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेक्स्ट, आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, अगर आपको जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपको यूरिन पास होता है या थर्ड ट्राइमेस्टर में यूरिन बहुत ज्यादा पास होता है, अगर इसको एक्सेस क्वांटिटी में आप जो लेते हो तब आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ में इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इसको कड़वा, इसका टेस्ट जो आपको लगता है वो होता है, ये अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में लेते हो तो ये कड़वाहट आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, इसीलिए इसकी एक्सेस क्वांटिटी जरूरी बिल्कुल कम करना जरूरी है। अगर आपको खीरे से कोई एलर्जी है तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है कोई खुजली या फिर सूजन आपको नजर आ सकती है, इसीलिए जो है आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में ना लीजिए। इसमें पोटेशियम का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इससे आपको पेट में आठन या किडनी में प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, इसलिए इसकी एक्सेस क्वांटिटी प्लीज आप अवॉइड करिए। अगर आपको कोलाइटिस, हेपेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस या किडनी में सूजन की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में है या उससे पहले से है, तो प्लीज आप खीरे को अपनी डाइट में इंक्लूड मत करिए, क्योंकि इससे और हार्म आपको हो सकते हैं। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, खीरे को कब और कितना खाना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। वेल, आप जो है एक खीरे को अपनी डाइट में इजीली ऐड कर सकते हो, और आप कब खाना चाहिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खीरे को अगर आप सुबह के टाइम में लगभग 9 से 11 बजे के बीच में अगर आप खाते हैं तो इसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट है। ये हीरे की तरह आपकी बॉडी में काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपके फीटस डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स हो सकता है। अब इसको किस तरीके से खाना चाहिए वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। वेल, मार्केट से लिया हुआ कुछ आपने देखा होगा, ठेली वाले के पास मार्केट में कटे हुए स्लाइस होते हैं और उसमें नमक लगा के वो आपको देते हैं, तो उसको आप अवॉइड करिए। आप घर पे ही उसके पीसेस करके काट के उसमें नमक लगा के फ्रिज में कुछ देर के लिए रख दीजिए, ठंडा
ठंडा होने पे उसके खाइए, उसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर पील करके ही खाइए, क्योंकि जो उसका पील होता है उसमें टॉक्सिक होता है जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, और बहुत सारे मतलब गंदगी, धूल, मिट्टी, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन उससे हो सकते हैं अगर आप पील करके नहीं खाते हो। तो कोशिश करें कि उसको पील करके लगभग 3 से 4 मिनट उसे अच्छे से वॉश करके, मतलब पील करने से पहले वॉश करके अच्छे से उसको जो है आप खाइए नमक लगा के, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और काफी सारी इन्फॉर्मेशन इसे मिल चुकी होगी। अगर मिली हो तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी अ मॉम चैनल, बाय बाय।